खाना पकाना मेरा पैशन है। आज का खाना कुछ ऐसा है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जब भी मैं साउथ इंडियन खाना पकाती हूँ तो वो मुझे पुरानी बचपन की यादों को ताज़ा कर देता है। उसका जायका और स्वाद के साथ मेरी भावनात्मक जोड़ है। आज मैं आपके लिए मेरे होम टाउन कर्नाटक का स्पेशल मैसूर बोंडा लेके आई हूँ। नमस्कार दोस्तों, है बास किचन हिंदी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए जानेंगे इसे बनाते कैसे है। पहले एक कटोरी में एक कप दही लेंगे। अब डालेंगे 3/4 चम्मच नमक, 1 चम्मच बेकिंग सोडा और इसे अच्छे से फेंटते हुए मिला देंगे ताकि दही में हल्का सा बुलबुला आ जाए, कुछ इस तरह। अब इसमें डालेंगे 2 कप मैदा और इसे हाथों से मिला देंगे। इसे गूंदना नहीं है, बस इसी तरह मिला देना है। हमने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। जब एक बार सारा आटा अच्छे से इकट्ठा हो जाए तब हम हाथों से इस तरह फेंटते रहेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा दही डाल सकते हैं। इस तरह एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे लगभग 5 मिनट तक, ताकि ये एरी बने और बोंडा फ्लफी हो जाए। खोल को थोड़ा गाढ़ा रहना चाहिए, जिसे वड़े के लिए बनाते हैं वैसे। इस तरह फेंटते फेंटते गोल नरम होके चिकना बनेगा और एक अच्छा सा खिंचावट भी आ जाएगा। ये परफेक्ट है। अब कटोरी पे लगे हुए घोल को इस तरह निकाल के इकट्ठा करेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच बारीक कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता, 2 बड़े चम्मच घिसा हुआ नारियल, 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई हरा धनिया, 1 चम्मच जीरा और इसे अच्छे से मिला देंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से घोल में मिल जाए। इस तरह सारे घोल को इकट्ठा करके इसे ढक के 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि घोल फूल जाए। अब बनाते हैं नारियल की चटनी। मिक्सर जार में 1 कप घिसा हुआ नारियल डालेंगे। अब डालेंगे 2 बड़े चम्मच भुना हुआ चना दाल, 4 बड़े चम्मच हरा धनिया, 2 बड़े चम्मच पुदीना, 3 हरी मिर्च, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, 1/2 चम्मच नमक और 1/2 कप पानी और इसे ढक के बारीक पीसेंगे। आप चाहो तो पुदीना और धनिया को स्किप कर सकते हैं। मुझे बोंडा के साथ ये चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। चिकना पेस्ट बन चुका है, हमारा चटनी तैयार है। इसे और मज़ेदार बनाएंगे तड़का लगा के। एक छोटा सा पैन में 3 चम्मच तेल डालेंगे। अब डालेंगे 1 चम्मच सरसों, 1/2 चम्मच उड़द दाल, 1 सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा कड़ी पत्ता। जब तड़का चटक कर तैयार हो जाए हम इसे चटनी के ऊपर डाल देंगे। 4 घंटे के बाद घोल हमारा अच्छे से फूल गया है। एक बार इसे अच्छे से फेंटेंगे। घोल को अच्छे से फेंटते रेस्ट देने से इसमें अच्छे से हवा भरकर बोंडा गोल गोल बनेगा और बिल्कुल सॉफ्ट और जालीदार बनेगा। अब हाथों को इस तरह गीला कर देंगे और गोल को इस तरह लेके गरम तेल में डालेंगे। अगर आपके गोल अच्छे से फेंटा हुआ है तो ये खुद ही फूल के गोल गोल बनेगा। एक बार ये तेल से ऊपर आ जाए तो इसे हमें बीच बीच में ऐसे चलाते रहना है ताकि ये सारे तरफ बराबर से तल जाए। जब ये खस्ता और सुनहरा रंग में बदल जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। ये रहा गर्मा गर्म मैसूर बोंडा बिल्कुल तैयार। कितने नरम, प्लफी और जालीदार बनी है। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए नारियल की चटनी भी साथ दे रही है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और रेसिपी के बारे में हमें कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।